सामान्य गति से करते हैं तो कम से कम एक मिनट में दो बार, मध्यम गति से करते हैं तो एक मिनट में लगभग औसत पांच बार, और अत्यंत तीव्र गति से करते हैं तो दस बार होता है। पांच से दस मिनट भी कोई अभ्यास कर लेता है तो सर्वांगीण व्यायाम होता है, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। पहला अभ्यास सामान्य गति से करते हैं, एक दो तीन, थोड़ी देर रुकते लगभग दो सेकंड, चार पांच छह सात आठ, घुटने की रेडिया जमीन पर, सिर झुकाओ, बह पैर आगे, श्वास अंदर श्वास बाहर, दह पैर आगे, माथा घुटनों से, जब हाथ पीछे जाते हैं तो ऐसे ऐसे जाते हैं, ये तरीका, फिर आगे आते हैं तो ऐसे, दोनों हाथ पंजों के पास है, माने आप जब कर रहे होते हैं सूर्य नमस्कार, तब आपके जो पैर हैं वो आप सामान्य गति से करें, मध्यम या तीव्र गति से, उनका स्थान न बदलें। दो अभ्यास हुए, फिर एक मिनट में पांच अभ्यास, माने श्वास अंदर भरा तो पीछे श्वास बाहर छोड़ा तो आगे, एक श्वास में एक अभ्यास, मेरे श्वास की ध्वनि के साथ आप करेंगे, छठा और सातवां एक साथ, सातों एक साथ, एक श्वास एक अभ्यास, वाला हुआ, एक मिनट में दस वाला अभ्यास तो बहुत तीव्र हो जाता है, ये तो उन्हीं को करना है जिनका सामर्थ्य बहुत अधिक हो, तो आप प्रयत्न कर लेंगे, अब इसमें एक दो तीन बोले नहीं जा सकते, इसलिए जिसमें जितना सामर्थ्य हो सबकी स्पीड एक जैसी नहीं हो पाएगी, तो बहुत परफेक्शन से करेंगे तो दस ही बार हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेट ऐसे ज्यादा मैंने देखा स्पीड हो नहीं पाती, तो प्रयत्न कर लेंगे तीव्र गति से, Thank you.
तो एक मिनट में 10 बार करने वाला थोड़ा जोखिम भरा है, पसीना तो आएगा। खैर, मैंने देखा मध्यम गति से भी हम यदि सूर्य नमस्कार 10 मिनट कर लेते हैं तो 50 बार आराम से हो जाता है। तो 10 मिनट का व्यायाम पूरी जिंदगी भर की निश्चिंतता।